الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر من بالخير السلام عليكم ورحمة الله ما डॉक्टर नासिर सनाउल्ला इस लेक्चर में हम दुरुस और लुगत अल अरबीत लि जो सानी का दर्स नंबर तीन पढ़ रहे हैं तो आइए पहले हिवार शुरू करते हैं हिवार पढ़ते हैं अहमद और अली के दरमियान हिवार है अहमद पूछ रहा है कम तालिबन फी फसलिकुम या अली कम तालिबन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फी फसलिकुम ऑफ द क्लास में या अली ए अली ए अली आपके क्लासरूम में कितने तालब इलम हैं अली यूं जवाब दे रहा है फी फस लेना हमारे क्लासरूम रूम में अरबात आशारा तालिबन फोटीन स्टूडेंट चौदह स्टूडेंट्स हैं अहमद अतुल्ला बो फी फस लेना स्टूडेंट्स फी फस लेना

उसका नाम क्या है यानी मसमुत तालिबिल जदीद नए स्टूडेंट का नाम क्या है अलजी जो जा आया हम कल जो कल आया उसका नाम नया स्टूडेंट जो कल आया उसका नाम क्या है अली यून जवाब दे रहा है इसमू उसका नाम है उसमतो उसमा अहमद हुआ तवील जिद्दा वो तवील लंबा है जिद्दा बहुत वो बहुत लंबा है अलैसा कजालिक है ना अलैसा कजालिक एक अरबी तहबीर है इसको आप ऐसे कहते हैं क्या ऐसा नहीं है लेकिन हम जनरली उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना तो हम कहेंगे वो बहुत तवील है है ना बला बेशक जब अलिफ यानी हमजा यानी इस्तीफाम हरफ इस्तीफ़ाम और हरफ नफी दोनों इस्तेमाल हो गए हों में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, सेंटेंस है तो, उसका अगर आपको में देना है, कहना है, तो आप जवाब कहेंगे बला अगर आपने नो कहना है तो आप कहेंगे नाम उसका कायदा आपने पढ़ा होगा तो अली जवाब दे रहा है अली बला हाँ हाँ बेशक अफकोर्स हुआ तवील जिद्दा वो बहुत लंबा है वला उससे ज्यादा लंबा है इन वो है यानी हामिद यानी हामिद अतविबिन अतो द टॉलेस्ट स्टूडेंट फी फासना इन आवर क्लासरूम ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लासरूम वमन और कौन है अतो तालिबिन टॉलेस्ट स्टूडेंट सबसे लंबा स्टूडेंट फी क्लासरूम में यहाँ इस इस जुमले से और आगे भी आपने पढ़ा पहले भी आपने पढ़ा यहाँ और आप इस इस लेसन में इस अत वालो जो अफ आलो के वजन पर है इसको आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री और कंपरेटिव डिग्री और डिग्री यानी कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कायदे आगे आएंगे तो वहाँ पे हम यहाँ बस आप माने पे ध्यान दीजिए अहमद अतवलो तालिबिन अतवलो तालिबिन यहाँ देखिए अतवलो तालिबिन यहाँ इसने अराब के साथ लिखा था अब यहाँ आपको कह रहा है कि नहीं खुद पढ़ो अतवलो तालिबिन सबसे लंबा स्टूडेंट फी फस लेना हमारे क्लासरूम में इब्राहिमो इब्राहिम है हमारे क्लासरूम में सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है इब्राहिम है अली अली कह रहा है, आ, क्या दफ्तरों का आपकी कॉपी, आपकी एक्सरसाइज बुक आपकी नोटबुक? हाजा ये क्या ये आपकी नोटबुक है या अहमद अहमद इन्ना खत जमील जिद्दा जिद्दा मैंने अभी यहाँ इसमें कहा कि जिद्दा के माने बहुत वेरी जमील उन खूबसूरत बहुत खूबसूरत इन बेशक ख़त्ता का आपकी हैंड राइटिंग जमील उन जिद्दा बहुत खूबसूरत है इन न है जुमला इसमिया पे दाखिल होता है मुब्तदा को अपना इसम बनाकर उसको मंसूब कर देता है जैसे यहाँ खत्ता खत्ता और खबर को अपनी खबर बनाकर मरफू बना देता है तो आप जमील उनको कैसे पढ़ेंगे जमील उन इन्ना बिकॉज ये इन्ना की खबर है इन्ना खत का जमील उन जिद्दा आपकी हैंड बहुत खूबसूरत है माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह भी एक फ्रेज है इसको इस्तेमाल करते हैं अप्रिसिएशन के लिए ठीक है अहमद कहता है शुक्रन या अली शुक्रन थैंक यू या अली या अली खत्ती जमील मेरी हैंडराइटिंग खूबसूरत है खत्ती मेरी हैंड राइटिंग क्या है खूबसूरत है वो खतु का और आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा खूबसूरत है अजमल बहुत खूबसूरत मेरी हैंड राइटिंग के मुकाबले में आपकी हैंड राइटिंग जो है ज्यादा खूबसूरत है अली अली कहता है मनह मन कौन है हाजल फता ये नौजवान हाजल फता ये नौजवान अलजीजो जो माका आपके साथ है या अहमद अहमद का अन्ना का अन्ना इन्ना की बहन है का अन्ना तो ये भी इन्ना की तरह मुफ्त को अपना अपना इसम बनाकर उसको मनसूब बना देगा यहाँ देखिए जमीर मनसूब हो गई है ये जमीर नसब है जमीर है ना का खबर इस देखिए जुमला ये 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 ये, ये आ, अस्माई में से है इसको रफा कैसे देते हैं इज़ योर दैट ही इज योर ब्रदर अहमद नाम यस yes, हुआ अखी अशी को यस ही इज फुल ब्रदर

ये मुझसे छोटा है ये मुझसे छोटा है फिर अली कह रहा है फी आइये महजाइन फी आइये महजाइन किस हॉस्टल में महजाउन में जमा महजाइन इस हॉस्टल फी आइये हॉस इन विच हॉस्टल अंता यू एंड इन विच हॉस्टल आर यू स्टेइंग या कि मेरे मेरे भाई हैं माय ब्रदर अहमद अना आई एम फिल्म महजा इन दिफ्त हॉस्टल जिद्दा वहां आपने पढ़ा तवील। जिद्दा जद्दा यहाँ पढ़ रहे हैं जिद्दा। वो बहुत दूर है अनिल मद्रास किस से मदरसे यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं वो कहते हैं हुआ बदल मद्रसती ठीक है नहीं बीद उन अन। अनिल मद्रास कहते हैं मदरसे से बहुत दूर है अली अना फिल महजी असाम आई एम इन द एट हॉस्टल मैंने हॉस्टल नंबर एट वह हुआ और वो है अब अदो मेन महजा कुम आपके महज से आपके हॉस्टल से ज्यादा दूर है वो समझ रहे हैं आप वह हुआ अब अदो मेन महजा कुम आपके हॉस्टल से ज्यादा दूर है वो अहमद अयू हूं फिर से क्या इस्तेमाल हो गया हाँ इसको बोलते हैं इसमो तब्जील अहसनु विच वन ऑफ द टू विच वन ऑफ द टू इज बेटर अयु होमा अयु होमा अहसनु विच वन ऑफ द टू इज बेटर अली अल महजू अल खामिसु द फिफ्थ होस्टल यानी होस्टल नंबर फाइव अहसनु इज बेटर क्यों इन्ना गुरफहु बस इसके कमरे जो हैं आउसाओ ज्यादा वसी हैं, ज्यादा कुशादा है बड़े बड़े कमरे हैं और इसकी खिड़किया अकबर ही वाही रू और इसकी लेटरिन जो है ज्यादा साफ है वह सुरु शरीर जमा सुरु और बेड्स यानी चार चारपाइया अलतीफिया जो इस होस्टल में हैं वो ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पे हमारे लेक्चर का एक हिस्सा खत्म हो रहा है जो हिवार परमा बने होता है अब हम तमरीन की तरफ जाएंगे तमरीन में हम दस्तूर पहली और दूसरी तमरीन को छोड़ते हैं क्योंकि इसके जो इसका बुनियादी क्रकस है वो ये उस्ताद स्टूडेंट के सामने हो

or hamidun atwalu minhu is 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 taller than him so taller than जब आप कम कंपेरिजन करते हैं तो आप मिन भी लगाते हैं अत मिन ठीक है ना आप कहेंगे अत वलू हो यानी टॉलर देन हिम आमिन तो सगी रतुन छोटी स्टूडेंट है वो जैनब वो और जैनब असगरो मिन हा उससे ज्यादा छोटी है यानी हम कहेंगे Uh, 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 than, than क्योंकि सगीर तुम मीन आ, वो भी कह सकते हैं हम सगीर है, तो हम कहते हैं छोटा है भाई है एज के से तो हम कहेंगे जैनब इज यंगर हर जैनब इज यंगर हर ठीक है, वो, अस गरो हा, है। अब मिसालें देखिये हाजल किताबु दिस बुक इज असहलो इजीयर यानी ज्यादा आसान मिंजा का उस किताब के मुकाबले में मिंदा फ्रॉम यानी इजीयर देन दैट बुक बुक तो यहाँ नहीं लिखा है बस इजीयर देन दैट नंबर टू हाजी हिस्सा तो दिस कार इज अजमलो

These students, दोज, दोज पे आप देखिए हाजल किताब वाहिद मुजक्कर था तो तब भी आ गया असलो हाजी सैारा वाहिद मोनस था तब भी आ गया अजमलो यानी एक ही फेल लग रहा है हमजतो अकबर ये तो वाहिद मुजक्र है तो ये भी आ गया अकबर हो ये तो जमा मुजक्र है यहाँ भी आ गया लेकिन क्या अहसनो यानी इसका एक ही सेगा मोहनस के लिए वाहिद सब के लिए एक, एक ही है ठीक है तो अभी आप आगे देखेंगे इनको जरा फिर से पढ़ने की इनको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए या लास्ट एक पढ़ूंगा मैं फिफ्थ पार्ट बाई थी मेरा घर माई हाउस अब इज यानी ज्यादा दूर है अनिल मद्रसती से दूर है मीन का आपके घर के मुकाबले में आपके घर से आपके घर के मुकाबले में यानी मेंउस बाई थी माई हाउस इज अब अदो दो फॉर दर अनिल मद्रसती फ्रॉम द स्कूल मेन बाई थी का देन यूर, देन यूर।

वाह इसके ऊपर वाह वाह के ऊपर जबर वाह को ड्रॉप करेंगे इसको करेंगे, हजफ करेंगे और लाम को दो पेश वाला बना देंगे या एक पेश ए सॉरी एक पेश वाला बना देंगे तो हम कहेंगे ये बनेगा तवील से बनेगा अक वलो कबीर से बनेगा अकबरु नजीफ से बनेगा सहलून से बनेगा अस हलो यहाँ देखिए आप सोन नीचे इसकी इसमें या नहीं है तो या के बगैर भी हम सिर्फ यहाँ हमजा डालेंगे उसके ऊपर जबर लगाएंगे सीन को साकिन आस, इस बचता है हरफ इसके ऊपर जबर लगाएंगे अस लाम के ऊपर एक पेश लगा देंगे तो हम कहेंगे अस हलो ठीक है ये शॉर्ट तरीका है हाशिमुन अतवलो मिन उस्मान उस्मान से ज्यादा लंबा है हाशिम हाशिम अतवलो मिन उस्मान हम उस्मान के नीचे जेर नहीं क्योंकि ये ममनू मेरा सरफ है अलकाहिरा तो काहिरा यानी मिस्र की जो राजधानी है मिस्र की कैपिटल जो है आसिमत बोलते हैं कैपिटल अलकाहिरा तो काहिरा जो है कबीर हम कहेंगे अकबरो ज्यादा बड़ा है मेन किससे मीना रियाजी रियाज सऊदी अरब की क्या है राजधानी है अलकाहिरा तो कायरू या काज बिगर रियाज कायरा जो है बड़ा है रियाज से बड़ा शहर है नंबर तीन हाजल फंदो को दिस होटल हाजल फंदो को दिस होटल नजीफ हमको ये हम बनाएंगे इसका हमजा लगाएंगे पहले यार ड्रॉप करेंगे तो बनेगा अंजफो मेन जा उसके मुकाबले में ज्यादा अच्छा नंबर चार अलुगत अरबी जुबान आसान है मिन ठीक है यहाँ आप देखिए यहां ये तो वहां तो आपने देखा कि वहां जो है असमा वो जाहिर थे यहां तो जमीर के जमीर के साथ जमीर के साथ कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे वो जरा सीखिए हुआ तो मैं कहूंगा अना अकबरो या हटा दूंगा इससे ड्रॉप करूंगा मेन के बाद जेर वाला हरफ आ, जेर वाला हरफ आ जाना चाहिए है ना लेकिन यहाँ हुआ है हुआ जमीरी मरफू है तो हम इसको जमीरी मजरूर में चेंज करेंगे वो हो जाएगा हु मिन, हु, हु। अकबर हो इसी तरह ये देखिए सिक्स एग्जाम्पल हुआ यानी वो आपसे छोटा है हम ये कहेंगे हुआ असगरो असगरो मेन अंत क्या बनेगा अंत इसको यानी जेर वाली चीज़ जेर वाली, वाली जमीन में करना है बनाना है तो हम देखेंगे ज़मीर मुतसिल जो है उसमें हम जेर वाली जमीर इस्तेमाल वो जमीरें जो है वो जेर वाली जमीर इस्तेमाल हो जाती हैं हम कहेंगे हुआ असगरो ज्यादा छोटा है ठीक है यहाँ देखिए आप एट्थ में जो है ये सेवंथ आप खुद कर सकते हैं एट्थ अंत हसन अना तो हम कहेंगे अंत अहसनो मिन नी अना। क्या बनेगा ई में ई जैसे आप कहते हैं किताबी किताबी इसी तरह मिन्नी अंता अहसनो मिन्नी ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर पांच पे जा, जाते हैं कहता है एक अमसिला जरा मिसाले पढ़ो सुम फिर हवल अलजुमल आतिया फिर आने वाले जुमलों को चेंज करो अला गिरा रहा इसी पैटर्न पर इसी तरीके पर मुस्तमिल इस्तेमाल करते हुए इसमत तफजील इसम तफजील देखिए क्या मिसाल है इसने दी है मोहम्मद तालिबन हसन मोहम्मद एक अच्छा तोलब इलम है तालिबन हसन हसन इसकी सिफत है हम कहते थे फिर इसने कहा चेंज कर दिया मोहम्मद अहसनो तालिबिन सबसे अच्छा सरू यानी सुपर लिटी डिग्री इसमें तबील जो है इसको इंग्लिश में क्या दो, दो, दो एक तो है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे अकबर उदिन वगैरह लेकिन जब आप इसको सुपरलेटि डिग्री में इस्तेमाल करेंगे तो मिन नहीं लगेगा तो डायरेक्ट अफ अलोक के, के बाद वो एक एक इस मजरूर लाएंगे ये आप एग्जाम्पल पे जरा गौर कीजिए देखिए यहां क्या कहा था तालिब हसन अब इसने कहा अहसन तालिबिन द बेस्ट स्टूडेंट इन द्लासरूम नंबर बैतुन जमील बैतुन जमील अब जमील को पहले लाएंगे बैत से पहले अजमलु बनाकर हाज अजमलु बैतिन जब आप सुपरलेटि डिग्री में ये इस्तेमाल करते हैं तो आप इस जिसकी ये पहले सिफत था उस कलमे को इसके बाद लाते हैं मजरूर बनाकर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल हाउस फिशॉर ऑन इन द स्ट्रीट इन द हम कहेंगे इन द चौक या इन द इन द इन द मोहल्ला ओके जिम पाट देखिये आम

अब इन मिसालों को इसी तरह चेंज कीजिए पहला है गुरफतु गुरफतुन सगीरतुन एक छोटा कमरा है जैसे मैं आपको अपने घर का एक एक कोई कमरा कमरा मैं कह रहा गुरफतुन सगीरतुन छोटा है सगी फिर हमें इसको चेंज करना है जैसे दिखाया गया ऊपर लेकिन फिर इस्तेमाल करना है फी बाई के हमारे घर में तो मैं ये कहूंगा हाजी ही सगी से ता गोलता हटाएंगे और या फिर इसको पहले लाएंगे तो मैं कहूंगा असगरो असगरो गुरफतुन जो है वर्ड था इसको दो 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 पेश के बदलेने आखिर में दो जम्मा जो इसकी थी वो दो क, दो कसरा में चेंज हो जाएंगी हम कहेंगे हाजी असगरो गुरफतिन फी बना दिस इज स्मॉलेस्ट रूम इन आवर हाउस हमारे घर में इन आवर हाउस हमारे घर में ये सबसे छोटा कमरा नंबर टू बिलाल बिलाल है जारुन हसन एक अच्छा हमसाया है जारुन हसन एक अच्छा पड़ोसी है मैं कहूँगा फी हयना हमारे मोहल्ले में बिलाल अहसनु जारिन जारुन बनेगा जारिन बिलाल अहसनु जारिन यहाँ देखिए हसन जाता तो इसके ऊपर दो पेश थे है ना लास्ट में दो जम्मा शबाश अब ये जब अफ आलू के वजन पर बना देंगे एक पेश इसका ड्रॉप हो जाएगा बिलासनो जरिन पी हयना बिलाल, बिलाल इज द बेस्ट द बेस्ट नेबर इन आवर इन आवर मोहल्ला नंबर थ्री यासर रजुल फकीर यासर रजुल फकीर फकीर फी करयना हमारे गांव में हम कहेंगे या अफ करो रजुलिन फी करना यासर अफ करो रेजुलतीना नंबर फोर हाजीही सात रखी सतुन ये सस्ती कड़ी है फिर बाज़ार में अब हम कहेंगे ये बाजार में सबसे सस्ती कड़ी हम कहेंगे हाजीही आरक्षासू गोल्डा ड्रॉप या ड्रॉप आरक्षासू सातिन पिसू की बाजार में सबसे सस्ती घड़ी है ठीक है बाकी आप बाकी पार्ट्स खुद करेंगे अब क्वेश्चन नंबर से देखिए एक रात में दो मिसालें पढ़ो सम्मार्बुत बैनकुल ली जुमलताइं फिर दो हर दो जुमलों के दरमियान जो है

आई आथर ने आपको सारे इसकी बहनें एक साथ नहीं पढ़ाई एक-एक करके एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश की अब लाकिन की बारी आ गई मेन कायदा जो है वो सेम रहेगा कि इन वाखवात जो है जुमला इस्मीया पर दाखिल होते हैं और जुमला इस्मीया में मुब्तदा जो है उसको अपना इसम बनाकर منصوب बनाते थे यानी ज़बर वाला बनाते थे ठीक है इसके आखिर पर ज़बर होती है और जमला इस्मीया की खबर को अपनी खबर बनाकर उसको मरफू बना देते हैं, यानी उसके आ, उसका आखिर जो है पेश वाला होता है वही मसला होगा यहाँ पे लेकिन माने में इसका क्या माने है इसका माने है यहाँ अतुल्लाब कसीरुन बच्चे बहुत हैं अलफलो सगी क्लास रूम छोटा है अब इन दो सेंटेंस को मिलाना है देखिए क्या लिखा है अतुल्लाब कसरुन बच्चे तो बहुत है लाकिन अल्फासलाफासलो बन गया अलफासलाफासला लेकिन क्लासरूम जो है सगीरुन छोटा है बा हामिद मुजता हीद बहुत इजी है इसको आप खुद कर सकते हैं हामिदुन मुझता ही हामिद मुजताहीद हामिद मेहनती है सदी कसला का उसका दोस्त कसलान लेजी है मुजाहिद कहते हैं को काबिल को नहीं बोलते हैं मुजाहिद बोलते हैं मेहनती को जो हार्ड वर्किंग को इसकी अपोजिट आती है कसलान ठीक है काबिल इंसान जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं आप इंटेलिजेंट को बोलते हैं ज़की उसकी उसकी अपोजिट आती है गबी यानी डल ठीक है तो देखिए हामिद मुजाहिद सरीकहु कसलानो हामिद मुजाहिद लाकिन सदीका सदी बन गया सदीका सदीका हु तस्लानो लेकिन उसका दोस्त ये क्या नाम है वो है आ, आ डल है सॉरी लेजी है इसने कसला लिखा है इसके ऊपर दो पेज लगे लेकिन इसके ऊपर एक ही आएगा जैसे यहाँ सद कसला क्योंकि कसला जो है ये वो ममनू मिन सरफ सिफत है ठीक है ना शबाश तो अब हमारे पास दो ये हम करेंगे जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं हामिद ये सॉरी मोहम्मद उन हामिद तो हम कहेंगे मोहम्मद लाकिना हामिद हामिद शाबाश। लाकिना हामिद मगर हामिद हामिद बन जाएगा हामिद हामिद पस्त का छोटा है मोहम्मद इज बट हामिद इज शॉर्ट आमिन तो मुजतादतुन आमिना मुजता मेहनती है हार्ड वर्किंग है उखा उसकी बहन जो है कसला वो क्या है वो 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 लेजी है हम कहेंगे आमिना तो मुजतादतुन लाकिना उख्ता उख्तु बनेगा उख्ता उक्ता उख्ता कसला बट हर सिस्टर इज लेजी Number three. haza tersu tawilun. haza tersu tawilun. This lesson is tawilun. Tall. Hua sahlun. Hua sahlun. It is easy. Hua sahlun. It is easy. To hum kaingi. tawilun. Lakinna. हुआ क्या बनेगा आपने इस किताब के पहले लेसन में पढ़ा इन्ना प्लस हुआ इज इक्वल टू इन्ना हु तो वही कायदा यहाँ ला प्लस हुआ इज इक्वल टू ला किन्ना हु ला हु सहल लेकिन वो सहल है दर्स ये लम, दर्स जो है लंबा है मगर ये सहल भी है सयारती कदीमतुन मेरी गाड़ी पुरानी है हिया कवियत ये मजबूत है तो हम कहेंगे सयारती कदीमत लाकिन हिया क्या बनेगा हा इन प्लस हिया इज इक्वल टू इन हा तो ला प्लस हिया इज इक्वल टू ला किन्न हा ला किन्न हा कवियतुन सयारती कदीमतुन मेरी गाड़ी पुरानी है ला किन्न हा कवियतुन लेकिन ये स्ट्रांग है इसी तरह आगे करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर सेवन को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सेवन आपको सिखा रहा है इन्ना की एक और बहन वो है का अन्ना ठीक है का जैसे आप इस मिसाल को देखिए तो वाजह हो जाएगा मन था जल फता हु इज दिस यंग मैन ये नौजवान लड़का कौन है कान्ना अखू का अन्ना हु का को है कि आपका भाई है जैसे लग रहा है आपका भाई है एज इफ इज योर ब्रदर इट सीम्स दैट ही इज योर ब्रदर का इसने वही अमल किया इसने क्या अमल किया इसने वही अमल किया का अन्न प्लस हुआ जो था वो बन गया का अन्न अखू का का आगे भी आप दूसरी मिसाल भी देखिए मन है जिद तिफला ये लड़की बच्ची कौन है ये बच्ची कौन है का अन्ना हा, का अन्ना जैसे बहन है यहाँ आप पढ़ रहे हैं अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक आदत है अलेवन से लेकर नहीं आपने टेन तक तो पढ़ा है आदत लेकिन अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक आदत पहली बात जो मैं बताऊंगा उसको नोट कीजिए जरा हम इस अदद अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक ही नहीं बल्कि मैं आपको अलेवन से नाइन तक ही अलेवन जो जो से लेकर नाइन तक मादूद अब सेम रहेगा अब कोई इसकी कोई परेशानी नहीं क्या रहेगा ये वाहिद होगा नकिरा होगा मनसूब होगा जैसे तालिबन ना इफनाम है इसके साथ ठीक है नकिरा न, 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 क्या नाम है वाहिद है ये जमा नहीं है हालांकि हम हम तो कह रहे हैं अलेवन स्टूडेंट्स या हम कहेंगे स्टूडेंट्स लेकिन फिर भी लफ्ज के एबार से लिखना पड़ेगा इसको सिंगुलर याद रखिए अलेवन से लेकर नाइन तक जो है महदूत वो क्या होता है नंबर मैं 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 तीन चीजें गिन लूंगा इनको याद रखिए वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा नंबर टू नाकिरा होगा यानी इल्फाम इसके साथ नहीं लगेगा नंबर तीन मंसूब होगा यानी पेश वाला नहीं और जेर वाला भी नहीं होगा तो ये मादूद की बात हो गई अब हम अदद की बात पढ़ेंगे अदद को जब आप अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक पढ़ेंगे तो तीन चीजों को तीन हिस्सों में इसको पढ़ना पड़ेगा एक अलेवन कैटेगरी क्या है अलेवन और ट्वेल्व इनको अलग पढ़ना पड़ेगा फिर थर्टीन से लेकर नाइनटीन तक अलग पढ़ना पड़ेगा फिर ट्वेंटी के लिए अलग कायदा है यानी अलेवन कायदा, थर्टीन से लेकर 19 तक अलग कायदा, ट्वेंटी के लिए अलग कायदा। अलेवन और कायदा है, है तो इसमें दो जुज है ना दोनों जुजों को मुजक्कर लिखना पड़ेगा इसना नश्रा ठीक है मुजक्कर लिखना पड़ेगा इसना नश्रा तालिबन ठीक है अगले लेसन में आप लेसन नंबर फोर में आप यही पढ़ेंगे अलेवे से लेकर ट्वेंटी तक की जो है आ, जो जो गिनती है जो आदत मदूद है लेकिन वहां मोहनस को आप पढ़ेंगे वहां मैं इन शह मजीद वाजिया करूंगा लेकिन थर्टीन से लेकर आप देखिए नाइनटीन तक थर्टीन से लेकर आप नाइनटीन तक मैं यहां थर्टीन से लेकर फिफ्टीन तक आपको जो है हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ देखिए तालिबान मुजक्र है ना यहाँ सलासता मोनस है तीन मोनस है लेकिन टेन आश्रा जो है ये मुजक्कर है यानी तीन से लेकर बराबर नाइन तीन तक यही देखेंगे आप तीन अगर आप मुजक्कर को गिन रहे हैं जैसे यहाँ तालिबन तो तीन मोनस लिखा जाएगा सलासता चार मुजकर लि... मोहनस लिखा जाएगा अरबा आता पांच मोनस लिखा जा जाएगा आता इसी तरह सिता सब आता सामान्यता तो इस आता बाकी अशरा अशरा अशर सेम रहेगा ये तो मुजक्कर ही रहेगा क्योंकि हम मुजक़र को गिन रहे हैं तो टेन सेम रहेगा ठीक है ना ये कायदा है यहाँ ईशरू न के लिए क्या कायदा है कि भाई इशरूना के लिए कायदा यह है कि ये तो जमा मुजक्र सालिम वाला मामला है इसके साथ कि ये इशरूना लिखा जाएगा और और वो मैं आगे बता रहा हूँ यह तालिबा यानि के लिए सेम इस्तेमाल होता है क्या इस्तेमाल होता है सेम इस्तेमाल होता है ठीक है अब एक और इस मैं इशरूना इशरूना से ही शुरू करूँगा यह जमा मुजक्र सालिम की तरह इसको रफ़ा देते हैं वाव के जरिए हम लिखते हैं इशरूना और नस्ब और जर देते हैं या के जरिए हम लिखते हैं ईशरीना यहां भी आप याद रखिए इसको लिखते जाइए ईशरना जो उकूद है ट्वेंटी इन सब के लिए यही कायदा है कि जब उनको पेश वाला यानी रफा की जगह लिखना पड़ेगा मरफू हालत में लिखना पड़े तो हम वाव के जरिए लिखेंगे ईशरूना सलासूना अरबाऊना खमसूना सब वगैरह लेकिन जब मनसूब और मज़रूर हालत में लिखना पड़ेगा तो हम कहेंगे ईशरीना सलासीना अरबाइना खमसीना सितना वगैरह ठीक है अब यहां आइए नाइनटीन तक अवन से लेकर नाइनटीन तक जो आदत आदत होगा नहीं मैं अदद की बात कर रहा हूं ये, ये मबनी होगा अलफ जैसे आहादा आता ये जबर जबर पर दोनों इन, इनके ऊपर आएगी आशारा वगैरह सिवाय इस ए के जो ट्वेल्व में है ये ट्वेल्व जो है इस ना यानी में जो दो है ये इस ना जो है ये मोरब है ये मोरब है क्या है मोहरब हम इसको इस ना पढ़ेंगे अलिफ के ज़रिए से जब हमें दो जब हमें लिखना होगा मरफू अगर मंसूब लिखना है तो या के ज़रिए पढ़ेंगे इस नाई जैसे तस्निये में आप पढ़ते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नाइन में आप आइए यहाँ कहता है कि मैंने इन अदद को लिखा है नंबर्स uh, में अब इनको वर्ड्स में लिखिए हरूफ में लिखिए क्या कीजिए हरूफ में लिखिए जैसे हम यहाँ लिखा है फिल फसल क्लास रूम में है फिल फासले आप इसको जरा देखिए फासले क्लास रूम में है फिर उसने लिखा है यानी तालिबान स्टूडेंट अब हमें इस वन नाइन को क्या लिखना है में हम क्या काम करेंगे सिंपल तरीका क्या है तालिबान मुजक्कर है ना तो हम नाइन को मोनस लिखेंगे तीस आता और टेन को मुजक्कर लिखेंगे अशर मसला खत्म तीस आता अशर तालिबान ठीक है अब यहाँ दूसरी मिसाल दी दे, दे देखिए क्या है इन दी मेरे पास हैं वन फाइव किताब किताब मुजक्र है ना तो फाइव को हम मोनस पढ़ेंगे फिफ्टीन में से फाइव हम कहेंगे खम सत अशर किताब बिल्लुगत अल अरबी अरबी जबान में व और क्या है ट्वेल्व किताबें इस ट्वेल्व में से हम दो को क्या लिखेंगे अगर ये पेश वाला है तो अलिफ के जरिए लिखेंगे हम कहेंगे इस न व इस न आशौरा किताबन बिल्लुगत फ्रांसी और बारह किताबें फ्रांसीसी जबान में हैं तीसरी देखिए तीसरी मिसाल रा यूसुफो अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखे क्या फिल मना में ख्वाब में अहदा आशारा काउकबन काव काउकब चूंकि मुजक्कर है तो हमने अहदा को भी मुजक्कर पढ़ा ठीक है और आशारा को भी कर पड़ा दोनों को मजाक कर पा क्योंकि अलेवन सेम है तो टू को भी मजा कर पाड़ेंगे हम कहेंगे ट्वेल्व ट्वेंटी को कैसे पढ़ेंगे मैंने कहा जब इसको पेश वाला पढ़ना है तो हम कहेंगे ईशरूना ईशरूना रियालन ईशरूना रियालन। इन्दी मेरे पास है एशर रियालन कितने रियाल बीस रियाल इसी तरह से आगे आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक है ये तो था अल-असली अल अब क्वेश्चन नंबर टेन में सिखा रहा है अल अलवस्फी अल-अदद अल अलवस्फी अल 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 क्या है जिसको आप अंग्रेजी में पढ़िए इसको अलद अल तरतीबी भी, भी बोलते हैं जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको अरबी में कैसे करेंगे कै, कैसे कहेंगे देखिए यहाँ यह हमेशा सिपतोरी और सिपत के आता है जैसे अवलो को अवलो याद रखिए इसके लिए कायदा नहीं है, अभी कोई मैं सिखाऊंगा नंबर टू अदरसु असानी सानियत उनसे बन गया असानी नंबर थ्री अदरसो असालिस थर्ड लेसन सालिस सलासतुन से बन गया सालिस फाइल के वजन पर ठीक है अदरसो अर्राबिओ फोर्थ लेसन अदरसो अलखामिसु अदरसो असादिसो जैसे आज हम पढ़ते हैं अदरसो असालिसो इसको ऐसे याद कीजिए टेन तक अदरसो अलआशिओ और फिर क्या था है अलअवलो अलअवल जो है मुअन्नसो हु इसकी मुअन्नस क्या है अलूला नकूल हम कहते हैं अतालिबो अलअवलो फर्स्ट इस्तेमाल कीजिए इस क्वेश्चन अलेवन में जैसे इसने क्या ब्रैकेट में लिखा है एट यानी हमें कहना है एट्थ डे एट डे तो हम क्या कहेंगे अलियानो समानियत कहते हैं ना एट्थ को तो हम कहेंगे असमिनो फिसन आती साल में किस साल में इसने फोर लिखा है ब्रैकेट में हम हमको कहना है चौथे साल में इन द फोर्थ ईयर हम कहेंगे अर्राभी आती। अर्राभी आती। फिर डैश डैश इसने लिखा है फिर साला तीन यहां ब्रैकेट में तो हम कहेंगे अलिबो असालसो तीसरा स्टूडेंट यहां देखिए आगे अलिब तो में लिखा है सिक्स यानी हमें कहना है सिक्स फीमेल स्टूडेंट हम कहेंगे वो कहे रहा। आप इसी तरह से आगे कोशिश करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं वो वो एक ही, एक ही ही चीज़ अलाई सा कजालिक जिसको मैंने लेसन को पढ़ाते हुए कहा कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन हो तो उसका जवाब अगर आपको देना है पॉजिटिव में तो आप बला कहेंगे जैसे यहाँ हिंदी आप इंडिया से है अलायसा कजालिक क्या ऐसा नहीं है

म अयु हम अयु व्हिच वन ऑफ़ द टू व्हिच वन ऑफ़ द टू या आप इंग्लिश में और एक कहेंगे अगर आप आके इंसानों के बारे में बात करें दो इंसानों के मैं क्या था, हामिद और महमूद जो है दे आर माई टू स्टूडेंट हु तो हम कहेंगे ठीक है इसी तरह मैं दो किताबों की तरफ इशारा करूंगा मैं कहूंगा हाजा किताबा का किताब फिर मैं कहूंगा इन दो में से खूबसूरत कौन है तो मैं कहूंगा अयु हम अजमलो अयु अयु अजमलो याद रखिए अयु जो है ये कभी अय्यु आता है कभी अय आता है कभी अय आता है जैसे कुरान पाक में है वह इजलत बेयम कुत बी हर फिर आ गए ना तो बी आई लिहाजा इसको आप इनशा आगे पढ़ेंगे आएगा, आएगा। ये सॉरी ये, 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 ये लेसन कम्प्लीट हो रहा है इसमें कुछ नए कलमात हैं जिनको मैंने वैसे बताया है तो आप देखिए इनकी मीनिंग महाज उन जमा महाज होस्टल उन जम कवा के मीन स्टार्स यानी वसी जिसमें वसत है फरी कुन जमी टीम्स जमात शकी जमा जम अज फुल फुल ब्रदर जैसे हम कहते हैं अखी अशी फुल ब्रदर समानुन समानुन मीन कीमत جماعتي أسمان عالم من الوال تيتي عالم من الوال شهير من الفامس شهير فامس شهر من الزمانت جيسا مكتي شهر رمضان. ها قرآن باك ما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر من الزمانت اسك دو جماعتي شهور وأشهر लाइबुन मीन्स प्लेयर खिलाड़ी इसका ज, इसकी जमात ये लाइबुन और फिल मनामी मीन्स ख्वाब में यूसुफ अलैहि सलाम फिल मनामी आताशन का वगैरह अल अल-अज़हरु मीन्स अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र की मिस्र में जो अल अजहर यूनिवर्सिटी वो दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है और आज का ये लेसन नंबर थ्री जो है खत्म हो गया लेसन नंबर फोर में इनशा फिर से मुलाकात होगी असल वरम्ह